अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान, आप देख रहे हैं रिजवान चैनल। तो आज हमारे पास ये टोटा लैंड क्रूजर आई थी। कस्टमर हमसे कह रहा था कि यार ये थोड़ा सा नीचे से लीक है गाड़ी वगैरह, आप थोड़ा चेक कर लें। तो मैंने जैसे थोड़ा साइड से कैमरा लगाया था तो देखा तो ये इसमें से बहुत लीक है। तो फिर मैंने इसका नीचे से ये जो कवर होता है नीचे इंजन के नीचे लगा रहा था वो मैंने रिमूव किया। तो जैसे देखा तो इसका ये बहुत सारा ऑयल लीक था नीचे से। तो ये ऑयल ऐसे लग रहा था कि जैसे मेन पुली से लीक है, पर ऐसा नहीं था। इसमें ये जो इसका ऑयल कूलर होता है ये लीक था बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा लीक है। तो सबसे पहले इसको अभी हम रिमूव कर लेंगे, इसके पानी के पाइप होल खोल लेंगे और इसको सारा इजीली मैं रिमूव करके आगे आपको दिखाता हूँ कि इसकी सीलें वगैरह ओरिंग वगैरह इसके कैसे इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये इसकी हालत है, ये कैसे अभी हालत। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको क्लीन करने के बाद देखते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका है ये बिल्कुल ही। तो ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे नया हो। ठीक है, तो अभी इसका हम आगे आपको तरीका मैं दिखाता हूँ कि इसके कैसे सारे रिंग लगेंगे। ये देखें सब बॉडी को एक ही बार से मैंने क्लीन कर लिया कि जैसे दोबारा फिटिंग के दौरान कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अभी सबसे पहले ये दो ओ रिंग लगाएंगे इसके अंदर। ये देखें ये दो ओ रिंग लगाने के बाद, और इसका ये दूसरा ये गैसकेट होता है दूसरा वाला, ये भी उसी के अंदर लगता है। इसको अरबी में मुबरद बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में वही ऑयल कूलर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला अभी हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें ये ज़रा ध्यान रखना है, इसमें ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल लाजमी करना है इस रिंग के, जितने भी आप ये जल्दे या रिंग टैप लगाते हैं जिस पे भी, तो ये ग्रीस टैप या ऑयली टैप होना लाजमी चाहिए, क्योंकि ये जैसे सही से अपनी जगह पर कवर अप हो जाए, बैठ जाए। तो ये इसको अभी हम इस पर इंस्टॉल करके, इस पर मैं 10 का बोल्ट लगा के इसको 10 के बोल्ट से पहले मैं टाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी हमारा ये टाइट हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ इसी में ये एक 10 का बोल्ट लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको भी हल्के से मैं देखें ये ग्रीस अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये बड़े मेन पॉइंट होते हैं, इस पर ग्रीस लाजमी लगाना चाहिए। तो अभी इसको भी हम लगाएँगे मेन, ये जो साइड वाली बॉडी थी इसकी जहाँ से ये पानी इसका घूमता है गोल। तो ठीक है, इसके अभी हम सारे नट लगा लेंगे। सारे नट लगाने के बाद इसको मैं इधर ही सारा को सबको मैंने ये टाइट कर लूँगा। ठीक है, टाइट करने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं इसको अंदर लगा के। ठीक है, गाड़ी के अंदर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको टाइट करने के बाद। ओके, फाइनली ये सब टाइट हो चुका है। तो मैंने गाड़ी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, इसको लगा दिया। तो अभी मैं इसके अंदर ये पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल टोयोटा का पानी है। तो ये इसका मेन पानी अभी इसके अंदर डाल रहे हैं, टोयोटा का पानी। ठीक है, पानी डालने के बाद इसका लास्ट टाइम मैं नीचे से थोड़ा सा लीक वगैरह भी चेक कर लूँगा कि आया कि कोई पानी कहीं से लीकेज हो या ऑयल वगैरह लीकेज हो। तो अभी मैंने पानी बिल्कुल फिलअप कर लिया, ये देखिए साइड से इसको फुल पे रख दिया निशान इसका। ठीक है, तो दूसरी बात, अभी ये नीचे से मैंने गाड़ी को देख रहा हूँ बिल्कुल फाइनली इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीचे से ठीक है गाड़ी। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इसका मैंने गाड़ी का इसका 2 लीटर गेयर ऑयल भी चेंज किया था। ठीक है, तो वो भी अभी मैं चेक करूँ स्टार्ट करने के बाद, कोई लीकेज वगैरह कुछ भी इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनली वीडियो इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कुछ लीकेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है गाड़ी हमारी। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।